और जो फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि यार बिजनेस है ना, काफी ज्यादा गिर जाता है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। एंटिटी नोवो ओपस नॉट सीडर कॉडिस्ट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होगा हमारा, वो काम है हमें करना है कनेक्शन हमारे वाईफाई का और हमारे पीसी का। मतलब कैसा सीन है ना, फोन पीसी ऐसे सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें जब इंटरनेट नहीं होता ना, वो मतलब ऐसे बेजान सा लगता है। तो उसमें जान में जान डालेंगे हम और उससे कनेक्शन करवाएं। आज है 13 अप्रैल और आज है चांद रात, मतलब कल से है रमज़ान। और अभी का सीन कुछ यूँ है कि हमेशा की तरह मैं आया हुआ हूँ मेरी टेरेस पे और सनसेट तो होता ही है और आज हमें देखना है चांद, ईद का चांद। तो अभी पूरी तरह से जब सनसेट हो जाएगा और मगरिब का टाइम होगा ना, तो मेरे टेरेस पे लोगों की भीड़ हो जाएगी। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं टेरेस पे चांद देखते हैं, मैं भी चांद देखने आता हूँ, ईद का चांद बोल रहा हूँ सॉरी, मैं भी आता हूँ रमज़ान का चांद देखने। तो हम चांद भी देखेंगे। और जो फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि यार बिजनेस है ना, काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। क्योंकि ना लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनेंशियली रिकवर नहीं हुए अभी तक, और अगर अभी फिर से लॉकडाउन लग गया तो मतलब क्या हालत हो जाएगी आपको भी। और जिन लोगों का बिजनेस है वो तो ऑलरेडी लास्ट लॉकडाउन से डाउन होते जा रहा है, तो एक साल के बाद थोड़ी मेहनत कर करके ना लोग वापस से अपना बिजनेस वापस खड़ा किए, लेकिन अभी वापस से लॉकडाउन अगर लगा है तो वो भी पूरा बुरा हालत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। A few moments later. तो अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे, क्या करने? चांद देखने। ईद का चांद ना? हाँ। रमजान का चांद देखने जा रहे हैं भाई, चलो चलो। दिखा चांद? नहीं दिखा। अभी यहीं पे चांद दिखता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी। ये ऐसा पूरा कहीं भी नहीं है चांद, मतलब कहीं भी क्या, यहीं पे होगा लेकिन है नहीं अभी। तो अभी हो रहा है 7:15 और अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और चांद अभी तक दिखा नहीं, मतलब बादलों में कहीं छुपा होगा पीछे। थोड़ी देर बाद उसको ढूंढते हैं ना, तो वापस चलेंगे घर। तो रमज़ान में मेरा शेड्यूल कुछ यूँ होता है कि रात भर पूरा जागता हूँ, सहरी करता हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद 6 बजे तक सोता हूँ और फिर उठता हूँ जोहर में, जोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद छुटका पुटका जो काम होता है वो करता हूँ, फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ता हूँ। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो घर का जो काम होता है, इफ्तारी का थोड़ा बहुत जो सामान लाना होता है वो सब सामान लाता हूँ, उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद हमारी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आने के बाद थोड़ा सा टाइम होता है, उसके बाद तो तरावी चालू हो जाती है, फिर तरावी पढ़ने जाओ, तरावी पढ़ के आने के बाद वो टाइम से फजर तक वक्त ही वक्त होता है। ये होता है मेरा नॉर्मली रमज़ान में स्केड्यूल, लेकिन दिस ईयर आई विल बी मेकिंग ब्लॉग, तो मुझे स्केड्यूल कुछ अच्छा सा बनाना पड़ेगा जिससे मेरा ब्लॉग भी अच्छे से बने और रमज़ान भी अच्छे से जाए। शूट करते टाइम ना फैन ऑफ करना पड़ता है और गर्मी, तो चांद को कैप्चर नहीं कर पाया, आपको चांद वीडियो में दिखा नहीं पाया, तो मैं अभी आपको बताऊँगा दूसरा चांद।